बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको उमर शरीफ की बायोग्राफी के मुतालिक बताएंगे, उनके करियर के मुतालिक बताएंगे। उमर शरीफ का पूरा नाम मोहम्मद उमर था, जो कि प्रोफेशनली उमर शरीफ के नाम से जाने गए। अप्रैल 1955 को कराची सिंध में पैदा हुए। शोबिज में अपने करियर का आगाज 1974 से किया, स्टैंड अप कॉमेडी से किया, कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की और इसी तरह डायरेक्ट भी की। टेलीविजन की मजाक से भरपूर शख्सियत थी। उमर शरीफ को किंग ऑफ द कॉमेडी भी कहा जाता है। 1986 में फिल्म हसाब में काम किया, उसके बाद 1987 में कुंदन, जबकि 1992 में मिस्टर 420 और 1994 में खानदान और लात साहेब में जलवागर हुए। अक्टूबर 2009 में टीवी रियलिटी कॉमेडी बेस्ड शो किया, जिसका नाम द शरीफ शो था, जो कि जियो टीवी पर नशर हुआ। उसमें बहुत से म्यूजिशियन, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज भी किए। इसके अलावा इंडियन कॉमेडी शो में बतौर जज भी रहे, जिनमें द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू के साथ थे। 1974 में उमर शरीफ ने कराची में स्टेज परफॉर्मेंस के तौर पर 14 साल की उम्र में काम शुरू किया। थिएटर में जब ये गए तो उस वक्त इनका नाम उमर जरीफ था। उमर जरीफ के नाम से अपने करियर को स्टार्ट किया, बाद में नाम को तब्दील करके उमर शरीफ रख लिया। स्टेज ड्रामों में बहुत मशहूर ड्रामे बुड्ढा घर पर है 1984 में परफॉर्म किया गया। इनके ड्रामों को रिकॉर्ड करके टेप की सूरत में किराए पर बेचा जाता था, जो कि इनकी पॉपुलैरिटी की वजह बना। सबसे पहला यस सर ईद ये स्टेज प्ले था, जो कि वीडियो की शक्ल पर मंजरे आम पर आया। अब हम अवार्ड्स की बात करते हैं, जो इन्हें अवार्ड्स मिले। मोहम्मद शरीफ को नेशनल अवार्ड्स भी मिले, जिनमें 1992 में बेस्ट डायरेक्टर एक्टर का अवार्ड मिला, जो कि फिल्म मिस्टर 420 के लिए था। इसके अलावा निगार अवार्ड्स भी मिले। मोहम्मद शरीफ वाहिद एक ऐसे एक्टर थे जिनको एक साल में 4 निगार अवार्ड्स मिले। इनको 3 जो है 3 ग्रेजुएट अवार्ड्स भी मिले। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें तमगा इम्तियाज भी इन्हें मिल चुका है। अब हम इनकी पर्सनल लाइफ के मुतालिक बात करते हैं। इन्हें 3 शादियां की है। पहली शादी दीबा उमर से की, जबकि दूसरी शादी जो है वो शकीला कुरैशी से की, जिनसे तलाक हो गई, और तीसरी शादी 2005 में जरी गजल साहिबा से की। एक बेटी थी इनकी, जिसकी पिछले साल वफात हो गई है। तो नाजरीन, ये कॉमेडी के दुनिया के जो किंग थे, आज जर्मनी के हॉस्पिटल में इनकी वफात हो गई है। एक बहुत ही अच्छा करियर, एक बहुत ही अच्छा कॉमेडी के हिस्सा इन्होंने अपना, कॉमेडी के शोज में इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन की, और रहती दुनिया तक जो है इन्हें कॉमेडी के लिहाज से याद रखा जाएगा। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।